बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर तीन अजनबी बुज़ुर्गों को बैठे हुए देखा। तो औरत कहने लगी कि मैं आप लोगों को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं, चले अंदर चले, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, खाना देती हूँ। उन बुज़ुर्गों ने पूछा कि क्या आपके घर का मालिक घर पर मौजूद है, यानी आपका शौहर घर पर मौजूद है? तो औरत कहने लगी, वो तो मौजूद नहीं है, किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, तो फिर हम अंदर नहीं आएंगे। रात को जब खामंद उस औरत का घर आया तो उस औरत ने इस मामले की सारे की जो है वो उसको खबर दी। तो वो कहने लगा कि आप बाहर जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। तो औरत उनके पास गई और उनको अंदर चलने को कहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तीनों एक साथ इकट्ठे आपके साथ घर नहीं जा सकते। तो औरत ने पूछा बड़ी हैरानगी से कि वो क्यों? तो उनमें से एक बुज़ुर्ग ने ये कहते हुए वजाहत की कि उसका नाम माल है, और अपने एक साथी की तरफ इशारा करके कहा कि इसका नाम कामयाबी है, और अपने एक दूसरे साथी की तरफ इशारा किया जिसने अपना तारफ यूं कराते हुए कहा कि मेरा नाम मोहब्बत है, और ये कहते हुए बात मुकम्मल की कि जाओ अपने खावन से जाकर मशवरा करो कि हम में से कौन आपके घर अंदर आए। तो औरत ने आकर सारा माजरा जो है वो खावन को सुनाया, तो वो खुशी से फूले न समाया और चिल्ला कर कहने लगा कि अगर यही मामला है तो माल को अंदर ले आओ, तो हमारे घर में माल की रेल पेल हो जाएगी, दौलत की रेल पेल हो जाएगी। तो औरत ने खामन से इख्तलाफ करते हुए कहा कि क्यों ना हम कामयाबी को जो है वो दावत दें अपने घर में। तो मियाँ बीवी की ये जो बातें बाहम चल रही थी आपस में, तो उनकी बहू एक थी, वो एक कोने में बैठी हुई थी, तो वो भी उनकी बातें सुन रही थी। तो उसने जल्दी से अपनी राय दी कि क्यों ना हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घराना जो है वो प्यार और मोहब्बत से भर जाए। तो खावंद कहने लगा कि हम ठीक है, बहू की नसीहत मान लेते हैं, जाओ और मोहब्बत को अंदर ले आओ। वो औरत दोबारा बाहर गई और बुज़ुर्गों से पूछा कि आप में से मोहब्बत कौन है, तो हम उसकी मेहमानी करते हैं। तो इन तीन बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग उठा कि वो औरत के साथ अंदर जाए, तो बाकी दोनों बुज़ुर्ग यानी माल और कामयाबी भी उसके साथ जाने लगे। तो औरत ने कहा कि मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को बुलाया है। तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि आप माल या कामयाबी में से किसी एक को बुलाती तो हम में से वो एक ही अंदर जाता, लेकिन चूंकि आपने मोहब्बत को बुलाया है और मोहब्बत का और हम दोनों का यानी हम तीनों का आपस में ये मुआहदा है कि मोहब्बत जहाँ जाएगी हम भी यानी माल और कामयाबी भी उसके साथ जाएंगे। तो यूं तीनों उसके घर चले गए। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हिकायत या कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, अपने रवैयों में अपने मामलात में मोहब्बत के जज्बात को मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग दें, नफ़रत कदूरत अपने दिल से ख़त्म करें। ये दुनिया आर्जी है, चंद रोज़ा है, हमने नफ़रत को पाल कर क्या करना है? लेकिन अगर हम अपने दिल में मोहब्बत को पालेंगे, मोहब्बत को जगह देंगे, तो फिर माल दौलत और कामयाबी से जो है वो हमें कोई नहीं रोक सकता, वो हमारा मुकद्दर होगी। लेकिन आजकल के दौर में मोहब्बत, ये याद रखें कि यकतरफा नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ भी यही जज्बात होने चाहिए, अखलास होना चाहिए। ये ना हो कि आप तो अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ मोहब्बत और खलूस से पेश आ रहे हों और वो शख्स अंदर ही अंदर में आपकी जड़ें काटने पर लगा हुआ हो। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।